भैया क्या क्या चेंज हुआ है इसमें? इंजन ऑयल चेंज हुआ है भैया। अच्छा, और ऑयल फिल्टर हुआ। ओके, एयर फिल्टर ठीक है, डीजल फिल्टर ओके, डिक्स पैड चेंज हुआ है ओके, और डोर लुब्रिकेशन ओके, टेफलन कोटिंग ओके, इंजन कोटिंग ठीक है, हाँ जी, वॉशिंग हुई, फुल वॉशिंग सब कुछ डाल के ना टोटल जो कॉस्टिंग आई है वो है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बढ़िया से होंगे। तो दोस्तों, आज हम आए हैं टाटा मोटर्स फेयर डील में, टाटा सफारी की सर्विस कराने। आपने थंबनेल देख लिया होगा, इस सफारी को एक साल होने वाला पूरा, तो उसके थोड़े दिन पहले ही हम सर्विस कराने आ गए हैं। तो चलिए बाकी ब्लॉग अंदर जाके शूट करते हैं। और ये गाड़ी पहले हम पहुंच गए हैं कंपनी में, ये देखिए हमारी गाड़ी यहाँ लग। रमन को मैंने बोला कि यार अंदर लगा दे। तो हमारे साथ ये आए हैं पितंबर, और ये रमन है, वो आतिश फ़ोन कर रहा है। तो चलिए इनसे मिलाता हूँ मैं आपको, गाड़ी पहले अंदर लगा लें। तो यार एक साल बाद सर्विस, मतलब कि पता नहीं अब कैसे है, क्या सीन होता है, वो पूरी डिटेल्स में बात करेंगे हम। तो पहले लगा दें हम अपनी गाड़ी अंदर, आपने देखी होगी पहले ब्लॉग में भी। तो एक चीज़ यार मैंने उस दिन आपको दिखाई नहीं, वो ये थी कि हमने सफारी का इधर ये लोगो लगा दिया, यार काफ़ी सही लग रहा है, ये पहले नहीं आता। ये कुछ 550 का था आई थिंक, एक बार लुक देख लो, एक साल होने वाला कार को। तो कुछ हालात इस तरीके की है, कुछ ज़्यादा तो ख़राब नहीं है, बट सर्विस कराने वाली हो गई है। तो चलिए देखते हैं बाकी। तो दोस्तों ये रही हमारी सफारी, तो सर्विस इसकी चल रही है, ऑयल इन्होंने चेंज कर लिया। तो इन्होंने डिस्क पैड इसके ख़राब हो गए हैं, अब बचे ये कहाँ से, 7800 के थे। तो जो हम सर्विस कराने आ गए ना 14-15 दिन पहले, 19 को सोच लो, 19 मार्च को इसका एक साल पूरा हो जाना था। अगर हम 19 मार्च के बाद किसी भी एक दिन बाद आते तो ये 7800 के हमारी मतलब लग जानी थी। तो ये हुआ कि हमें वारंटी में ये बच गए, जो 7800 हमारा लगना था। बाकी तो कोई इतना मेजर काम है नहीं है, गाड़ी अभी देखता हूँ, आई थिंक ये 12,000 किलोमीटर चली है, एक साल होने वाला है। तो ये देखिए सर्विस इसकी चल रही है, बॉनेट खोला हुआ है, अभी लंच टाइम है, इधर आना अलाउड तो नहीं है कस्टमर्स को, फिर भी हमने बोला कि यार हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं, तो उन्होंने चलो हमें परमिशन दे दी आने के लिए। ये देखिए अभी खोला हुआ है ऑयल, तो इसमें जो थोड़ा सा रहता है देख सकते हो आप कितना काला हो गया था, 12-13,000 किलोमीटर चल रही है। तो बाकी जो डिटेल्स होगी मैं बताऊंगा कि और क्या क्या इसमें डला है, कितना खर्चा आया क्या नहीं। आप सफारी लोगे तो एक साल के बाद आपको क्या खर्चा पड़ेगा, क्या मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी। तो चलिए अब जब भी लंच ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद हम बात करते हैं, तो इतने देर हम नीचे बैठते हैं। तो गाइस अभी सर्विस पे गाड़ी लगी हुई है, तो अभी दो घंटे लग जाएंगे मिनिमम। तो अभी हम जा कुछ खा के आते हैं, यार लग रही है 11 बजे आए थे तो अभी 2:30 बज गए हैं। रमन भैया ने बस लारा ही लगाया, एक दो घंटे का। कितने? एक दो घंटे का लारा ही लगाया इसने, ऑर्डर कर दिया, अब निकलवाने हैं। ओहो, तो फिर आज मतलब कि दिन आज पूरा इधर ही। तो गाइस गाड़ी वॉशिंग पे लग गई अभी, वाह। वॉशिंग हो गई है यार दोस्तों, क्या चमचमा दी है यार गाड़ी ना, वाह मजा आ गया देख के।
देखो वॉशिंग पे लगी थी, अभी हो गई है वॉशिंग, तो अभी इसको सुबह सूख के अंदर से साफ करेंगे पूरी। एक बार आपको आगे से दिखाता हूँ इसकी फ्रंट लुक, अभी देखने में देखो कितनी सही लग रही है। तो गाइस अभी गाड़ी सुखा रहे हैं, रमन बोल रहा है इसकी कोटिंग भी करानी है, तो देखते हैं अभी, पता नहीं कौन सी कोटिंग है वो, तो जब करते हैं आपको दिखाते हैं। तो गाइस इस पे हो रही है अभी इंजन साफ किया, तो उसके बाद कर रहे हैं अभी इंजन कोटिंग बोलते हैं इसको। क्या क्या चीज़ें चल रही हैं यार आजकल इंजन के लिए, भी इंजन भी शाइन करता तो बोलते हैं सही होता है, लुब्रिकेशन के लिए इसकी थोड़ी स्मेल। ओहो, तो गाइस अभी सफारी को कर रहे हैं टेफ्लॉन कोटिंग, ये देखिए अभी कर दी उन्होंने। ये पहले ऊपर इन्होंने पता नहीं क्या क्रीम लगाई है टेफ्लॉन कोटिंग की, अभी ऐसे ड्रिल से कर रहे हैं। तो गाइस ये कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको दिखाएंगे जब धूप में बाहर लेकर जाते हैं कि इसकी शाइन मतलब कितनी इम्प्रूव हुई है। जो ये अभी इन्होंने सिर्फ क्रीम लगाई हुई है, अभी कोई वो नहीं की हुई, तो उसके बाद देखते हैं। ये देखिए तो दोस्तों ये डालने लगे हैं इसको, डेफ बोलते हैं, क्या होता है इसको डेफ की फुल फॉर्म क्या है? डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल। डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल, इसका क्या काम होता है रमन? काम भैया को बताओ। भैया क्या काम होता है इसका? भैया जो इसकी एग्जॉस्ट गैस होती है ना, अच्छा, उसको फिल्टर करके फेंकता है। ओके ओके, इको फ्रेंडली। दोस्तों ये भी फीचर था, मुझे आज पहली बार मैंने देखा, ये सर्विस कराने आए तो पता चला है। और दोस्तों ये कार देख लो, अभी ये सिंपल है, अभी कोई इस पर कोटिंग नहीं हुई है, जब कोटिंग होगी तो इसकी शाइन देखो अभी भी सही है, क्योंकि अभी गाड़ी धोके लगाई है उन्होंने। जब कोटिंग होगी तो बाहर जाके दिखाऊंगा आपको कि कितना फ़र्क पड़ा है कोटिंग से। तो भैया ने एक इन्फॉर्मेशन दी है कि बोल रहे हैं कि जो जेट डेफ डालते हैं इससे क्या होता है कि गाड़ी पोल्यूशन नहीं छोड़ती BS6, तो ये इसीलिए डालते हैं, अभी पता चला मुझे। तो गाइस कार का बाकी काम तो हो गया है सारा, अंदर से भी देखो कितनी शाइन कर रही है, एकदम साफ़ सुथरी गाड़ी कर दी है उन्होंने, बट ये बस टेफ्लॉन कोटिंग हो रही है अभी। आगे जो इन्होंने स्वास्तिक के साइन सुइन लगे हुए थे वो कलर वाले, तो वो भी ये कर देंगे साफ़। तो वीडियो मुझे पता कि आज लंबी हो जाएगी, बट कोई बात नहीं, अब आपको पता है पूरी डिटेल में बात करनी हो तो फिर लंबी हो ही जाती है। बट मैं आपको एक बार इसका मीटर दिखा देता हूँ, ये कितना चला है, ये चली है 11,294 है, तो इतने पे हमने इसकी फर्स्ट सर्विस करा ली है, तो आप देख सकते हो। एक बारी अंदर देख लो ये इंजन कैसे चमचमा रहा है, तो पहले इतनी धूल मिट्टी थी, ये इन्होंने किया इंजन कोटिंग, तो कितना सही लग रहा है यार ये। गाइस फाइनली सर्विस हो गई है, अभी ये जा रहे हैं क्या करते हैं, टेस्ट राइड नहीं, ये गाड़ी टेस्ट करने जा रहे हैं कि कोई कुछ खामी कुछ ऐसे हो नहीं, बट नई गाड़ी में क्या फ़र्क पड़ता है यार। तो गाइस गाड़ी की सर्विस हो गई है, तो एक बारी आप देख सकते हो कैसे चमचमा रही है बिल्कुल, ये देख लो। तो मैं ये दिखाता भी हूँ कि इस पर कितनी सर्विस कॉस्ट आई है, एक साल बाद सर्विस हुई है इसकी ये, हाँ तो देखिए, वाह मज़ा आ गया देख के, ये टेफ्लॉन कोटिंग किया उन्होंने, तो गाड़ी आप देख सकते हो कैसे शाइन कर रही है ये। तो ये दूसरी सर्विस थी ना इसकी, थर्ड सर्विस। ओके तो ये देख सकते हो इसमें ऑयल चेंज हुआ था, तो मैं बिल भी दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या इन्होंने कितना खर्चा लगा, तो एक बार बिल चेक कर लेंगे। हमें भैया बताएंगे भैया क्या क्या चेंज हुआ है इसमें। इंजन ऑयल चेंज हुआ है भैया। अच्छा, और ऑयल फिल्टर हुआ। ओके, एयर फिल्टर ठीक है, डीजल फिल्टर ओके, डिस्क पैड चेंज हुआ है ओके,
और डोर लुब्रिकेशन, ओके, टेफलन कोटिंग, ओके, इंजन कोटिंग, ठीक है, हाँ जी, तो ये फुल वॉशिंग, फुल वॉशिंग सब कुछ डाल के ना टोटल जो कॉस्टिंग आई है वो आई है कितनी है भैया? ये आप देख सकते हो कुछ टोटल कर लेना यार, 11,675, 2,2101 और 332, आप देख लेना, जूम करके देख लेना दोस्तों किसमें कितने कितने पैसे लगे हैं। ओके, तो गाड़ी में बैठ के आप तो थोड़ा सा साउंड चेक कराएंगे और कैसी चल रही है। तो गाइस मैंने सोचा अब सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, आज का दिन सफारी की सर्विस कराने में ही गुजर गया, तो हम अभी पहुंचे हैं तभी वाले। तो सबसे ज़्यादा सही जो बात है वो इस ब्रिज की ये है कि हम जब भी आते जाते एक ही चीज़ बोलते हैं, जयकारा माँ बाबा वाली दा दरबार की जय, माँ मेरी सच्चियाँ जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। और दोस्तों एक चीज़ आपको और दिखानी है, वो ये सनरूफ वाला एक बार फील आपको दे देता हूँ, ये वाह यार वाह, जो मज़ा है ना इसका वो लगी है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का जो वीडियो है हम क्लोज करते हैं, और अगर आपको थोड़ी सी भी यार वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि हम अभी वीडियो बनाने में इतने प्रो तो नहीं है, अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्यों? बिल्कुल, ओके। तो आज के लिए इतना ही, आतिश भाई, पीतम्बर और अमन, आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो बाय, टेक केयर, मिलते हैं कोई नए वीडियो में, जय हिंद।